उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दुर्गा माता के मंदिर में याकूब नाम के एक व्यक्ति ने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। उसके बाद लोगों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फारूक नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। एक घटना 11 अप्रैल सोमवार को हुई। जिस मंदिर में याकूब ने तोड़फोड़ की वो तितावी थाना क्षेत्र के बघरा में स्थित है। मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। याकूब ने दुर्गा माँ की मूर्ति को निशाना बनाया। घटना लगभग सुबह 8:30 बजे के आसपास की है। मंदिर में घुसे याकूब ने माँ दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया। जब मंदिर में मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन सबसे भिड़ गया और अभद्रता करने लगा। उसने पुजारी के साथ भी अभद्रता की। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने याकूब की धुलाई कर दी और पुलिस बुला ली। याकूब को भीड़ से निकालकर पुलिस थाने ले गई। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लोग सड़क जाम करके आरोपित को बड़ी से बड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। जिले के बड़े अधिकारियों के पहुंचने और अन्य काफी प्रयासों के बाद पुलिस लोगों को सड़क से हटाने में सफल हुई। बजरंग दल के स्थानीय पद अधिकारी अंकुर राणा ने बताया कि आज सुबह ही याकूब मंदिर में आया और वो तोड़फोड़ करने लगा। जब उसको पकड़ा गया तो वो पहले पागल बनने की कोशिश करने लगा। याकूब ने पूछताछ में अपने साथी फारूक का भी नाम बताया है, जो गिरफ्तार कर लिया गया है। याकूब जो कि पहले से ही कई देशों की मजहबी यात्राएं कर चुका है। अंकुर राणा ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप कर आरोपी के खिलाफ NSA लगाने की अपील की है। पंजाब केसरी के एक पत्रकार विशाल प्रजापति का दावा है कि आरोपित याकूब कुछ समय पहले पाकिस्तान से लौटकर आया है। यह दावा उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको याद हो तो अभी इसी तरह का हमला गोरखपुर मंदिर पर भी हुआ था। इसकी जाँच के बाद आरोपित के कई तरह के कनेक्शन सामने आए थे। मामले की पूरी सच्चाई तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम। उसी जो माता का स्थान है वहाँ पे था सामने, वो भी स्थान देख लीजिए। एक मिनट को गेट खोल, गेट खोलू। अरे भाई सब एक है। बोल काली माता की।